क्या सच में मृत्यु टाली नहीं टलती? क्या है मृत्यु लोक का सबसे बड़ा सच? एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु जी और योग माया गरुड़ जी पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। गरुड़ जी को द्वार पर छोड़कर श्री हरि विष्णु जी और योग माया शिव जी से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश जी की प्राकृतिक शोभा को देख कर गरुड़ जी मंत्र मुग्ध हो रहे थे कि तभी उनकी नजर एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया इतनी सुंदर थी कि गरुड़ जी के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यम देव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य से दृष्टि से देखा। गरुड़ जी समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ जी को तय आ गई, इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। गरुड़ जी ने उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और स्वयं वापस कैलाश पर आ गए। कुछ समय पश्चात जब यम बाहर आए तो गरुड़ जी ने पूछ ही लिया कि आपने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजर से क्यों देखा था। यमदेव बोले, गरुड़ जी जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। गरुड़ जी समझ गए मृत्यु ताले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे पार्थ, करता तो वे है जो तू चाहता है, परंतु होता वे है जो मैं चाहता हूँ। कर तो वे जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को, साथ ही प्रेस करें हमारा बेल आइकन।